हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ठेठ हरियाणा न्यूज़। ठेठ हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। लॉकडाउन में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसान क्रेडिट कार्ड की रकम जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जा सकता है। RBI ने इसकी घोषणा कर दी है। अगर यह छूट लागू होती है तो किसान अपना लोन 31 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकार किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के देती है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज दर 4% सालाना है। अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए KCC पर लिए गए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ा कर जल्द 31 अगस्त की जा सकती है, क्योंकि RBI ने इसकी छूट दे दी है। हालांकि बैंकों के पास अभी तक अधिसूचना नहीं पहुंची है, इसलिए किसानों को इसकी जानकारी नहीं मिली है। RBI ने इसकी अंतिम तारीख 3 महीने बढ़ाकर 31 मई की थी, जो पहले 31 मार्च से बढ़ाई गई थी। इसका मतलब साफ है कि किसान KCC कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% प्रतिवर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। खेती किसानी के लिए KCC पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की सब्सिडी देती है। इस तरह यह 7% रहता है, लेकिन समय पर लौटा देने पर 3% और छूट मिल जाती है। इस तरह इसकी दर ईमानदार किसानों के लिए मात्र 4% रह जाती है। आमतौर पर बैंक किसानों को सूचित कर 31 मार्च तक कर्ज चुकाने के लिए कहते हैं। अगर उस समय तक कर्ज का बैंक को भुगतान नहीं करते तो उन्हें 7% ब्याज देना होता है। COVID-19 संकट को देखते हुए सरकार ने इसी बढ़े ब्याज पर राहत देकर 31 मई तक उनके सिर्फ 4% रेट पर ही पैसा वापस लेने का फैसला लिया है। इस कार्ड के जरिए 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लोन की लिमिट हर बैंक की अलग अलग होती है। बैंक आपको इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगा, जिसके जरिए आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।